आज की इस वीडियो में मैं आपको अक्षय कुमार की 10 अपकमिंग मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। हेलो जी, भले ही अक्षय कुमार की पिछली कुछ मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं, पर इसके बाद आने वाली अक्षय कुमार की मूवीज का लाइनअप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन टॉप 10 मूवीज में से टोटल 6 कॉमेडी मूवीज होने वाली है, तो हमें शायद हमारे ओजी अक्षय कुमार फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो एक एक करके सभी मूवीज के बारे में बताता हूँ। नंबर 10, सरफिरा। अक्षय कुमार की मूवी सूर्य की सोरारू पोटूरू का रीमेक होने वाली है, जिसे कि ओरिजिनल मूवी के डायरेक्टर सुधा कोंगारे ने ही डायरेक्ट किया है। इस मूवी में हमें अक्षय कुमार के अलावा राधिका मदान, परेश रावल और सीमा विश्वास जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। इसके अलावा इस मूवी में हमें सूर्य का भी एक कैमियो देखने को मिलेगा। अक्षय कुमार की ये मूवी 12 जुलाई को रिलीज होने वाली है। नंबर 9, स्काईफोर्स। स्काईफोर्स एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे की डायरेक्टर डुओ अभिषेक कपूर और संदीप खेवलाई ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी की स्टोरी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड होने वाली है, जिसमें हमें इंडिया की फर्स्ट एयर स्ट्राइक की कहानी देखने को मिलेगी। इस मूवी में हमें अक्षय कुमार, बीर पहाड़िया, सारा अली खान और निमरत कौर जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो की 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। नंबर 8, सिंघम अगेन। ये मूवी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की 5वीं मूवी होने वाली है। वैसे तो इस मूवी में हमें अजय देवगन लीड रोल में दिखाई देंगे, पर इस मूवी में अक्षय कुमार का भी एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल होने वाला है। इन दोनों एक्टर्स के अलावा भी इस मूवी में हमें रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर और जेकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स दिखाई देने वाले हैं। पहले ये मूवी इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, पर अब इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि अब दिवाली पर देखने को मिलेगी। नंबर 7, वेलकम टू द जंगल। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी होने वाली है, जिसे कि अहमद खान डायरेक्ट करने वाले हैं। वैसे अहमद खान ने इससे पहले बागी 3 और हीरोपंती 2 जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी, इसलिए इस मूवी को लेकर थोड़ा डर भी लग रहा है। ये मूवी वेलकम सीरीज की 3rd मूवी होने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में हमें अक्षय कुमार के अलावा संजय दत्त, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जैकलिन फर्नांडिस और दिशा पठानी जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे, जो कि 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। नंबर 6, हाउसफुल 5। ये मूवी हाउसफुल सीरीज की 5वीं मूवी होने वाली है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मूवी इंडिया की सबसे महंगी कॉमेडी मूवी होने वाली है, जिसका बजट 375 करोड़ रुपए है। मेकर्स ने फैंस से प्रॉमिस किया है कि उन्हें इस मूवी में एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ टॉप नॉच VFX भी देखने को मिलेगा। अभी तक इस मूवी की स्टार कास्ट को तो अनाउंस नहीं किया गया है, पर मूवी में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख होने वाले हैं, ये कंफर्म है। इस मूवी को तरुण मनसुख ने डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि अगले साल 6 जून को रिलीज होगी। तू नर्तकी है, तू भांड है, हाँ, और तू गधे की। नंबर 5, खेल खेल में। खेल खेल में एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें 17 साल बाद एक बार फिर से अक्षय कुमार और फरदीन खान की जोड़ी देखने को मिलेगी। ये दोनों एक्टर्स इससे पहले साथ में 2007 में रिलीज हुई है बेबी मूवी में दिखाई दिए थे। अक्षय कुमार ने हाल ही में इस मूवी की शूटिंग को कम्प्लीट कर लिया है। इस मूवी को मुदस्सर अजीज डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें अक्षय कुमार और फरदीन खान के अलावा तापसी पन्नू और बानी कपूर भी दिखाई देंगे। ये मूवी 2025 में रिलीज होने वाली है। नंबर 4, संकरा। ये कोर्ट रूम ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसकी स्टोरी लॉयर सी शंकर नायर की लाइफ पर बेस्ड होने वाली है। सी शंकर नायर वही लॉयर हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को सबके सामने लाया था। इस मूवी को करण सिंह त्यागी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। अभी तक इस मूवी की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, पर ये मूवी भी हमें 2025 में देखने को मिल सकती है। नंबर 3, राउडी राठौर 2। ये मूवी अक्षय कुमार की 2017 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म राउडी राठौर का सीक्वल होने वाली है। वैसे अभी तक इस मूवी का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी के स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया गया है और अब इस मूवी के लिए डायरेक्टर को ढूंढा जा रहा है। रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए तमिल डायरेक्टर पा रंजीत से बात की जा रही है, जिन्होंने रजनीकांत की काला और कबाली जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। एक बार फिर बता दूं कि ये सिर्फ अभी रूमर्स हैं, इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया, वो साला अर्थी पे अपने घर गया।
नंबर 2 जॉली एल एल वी 3। ये मूवी एक कोर्ट रूम ड्रामा कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसे की सुभाष कपूर डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले इस सीरीज के दोनों पार्ट्स को भी डायरेक्ट किया है। इस मूवी में हमें इस सीरीज की फर्स्ट मूवी से अरशद बायसी और सेकंड मूवी से अक्षय कुमार दोनों साथ में दिखाई देने वाले हैं। मतलब कि इस मूवी में हमें जॉली वर्सेस जॉली देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अक्षय कुमार वेलकम टू द जंगल के बाद इस मूवी की शूटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमें 2025 तक देखने को मिल सकती है। गाली मत दे, मैं कह रहा हूँ राजपाल। लड़ी अरे यार, आप लोग तो फिर लड़ने लगे यार। अब तो एसी भी लगवा दिया, ठंडे हो जाओ भाई। नंबर 1 हेरा फेरी 3। ये मूवी हेरा फेरी सीरीज का थर्ड पार्ट होने वाली है, जिसका फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी में हमें एक बार फिर से अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की आइकॉनिक जोड़ी देखने को मिलेगी। ये मूवी अभी अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है, तो देखते हैं मूवी हमें कब तक देखने को मिलती है। स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। वैसे आप इन मूवीज में से सबसे ज्यादा किस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।